आपने बताया इन ओनरशिप और इन्वॉल्वमेंट की बात, लेकिन एक सवाल हमारे शिक्षकों के मन में उठ सकता है कि इस CGOER में भागीदारी से मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या चीज है जो उन्हें प्रेरित कर सकती है? बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के लिए हम एक केस ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्कूल में, एक छोटा सा शहर में मैं काम करता हूं, और मैंने एक वीडियो बनाया, नहीं तो मेरा लोकैलिटी का कुछ चित्र मैंने फोटोग्राफ किया, और उस तरह का जो रिसोर्स जो मैंने बनाया था, वो रिसोर्स को जब मैं नेशनल रिपोजिटरी में अपलोड करूंगा, तो वो नेशनल रिपोजिटरी में जब हम अपलोड करेंगे, वो इंटरनेट में पूरा दुनिया को दिखेगा। कोई भी रिसोर्स, कोई भी जगह पे कोई लोग हैं, वो रिसोर्स का लाभ उठा सकते हैं, और वो रिसोर्स के साथ साथ मेरा नाम भी रहेगा वहां पे, तो लोग वो रिसोर्स को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये तो रायपुर से आया है। ये तो कुछ लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि रायपुर कहाँ है, तो लोग जाके ढूंढेंगे कि रायपुर कहाँ है, और उनको तब पता चलेगा कि अरे रायपुर भारत देश में है, इंडिया में है। और कोई और आदमी तमिलनाडु में वो रिसोर्स को देखेगा, कोई और गुजरात में देखेगा, कोई पंजाब में देखेगा, कोई फ्रांस में देखेगा, कोई जर्मनी में देखेगा, तो वो रिसोर्स जो है एक जगह पे नहीं, हर जगह पे विस्तार होता है, और लोग उसको ट्रांसलेट भी करते हैं। और वो ट्रांसलेट क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जब आपने बनाया, तो आपने उस फ्रीडम दूसरे लोगों को भी दिया, जिस तरह का आपने किसी दूसरा रिसोर्स को आपने यूज किया आपके क्लास में, इसी तरह का आपने जो रिसोर्स बनाया उस रिसोर्स को दूसरे लोगों में भी उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और उनके क्लास में और उनके स्कूल में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो उससे आपका एक पहचान बन जाता है, क्योंकि आपका नाम वहां पे मिल जाएगा। आप इस तरह का 5, 7 या 10, 20 रिसोर्स आप पूरा लाइफ में भी बनाएंगे, तो आप देख लीजिए कितने सारे टीचर्स हैं हमारे देश में। अगर हर टीचर ने कुछ चीजें ऑथर करें, कुछ रिसोर्सेस खुद बनाएं, तो उससे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है उनको, और वो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया इम्पैक्ट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में और टीचर के लाइफ में भी। टीचर को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे।